हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीओआई टॉक शो के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां मैं कवर करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जो कि होंगी फरवरी में होने वाले एलिमिनेशन चैंबर को लेके, डीन एम्ब्रोस और डेनियल ब्रायन पे ह्यूज अपडेट फॉर रॉयल रंबल मैच कार्ड। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट अपडेट आ रही है संडे को होने वाले पीपीवी रॉयल रंबल को लेके। जो मैचेस अब तक फिक्स थे वो मैंने आपको रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन में बता दिए थे, बट आपको बता दूं बड़ी अपडेट आ रही है, WWE ने रॉयल रंबल के मैच कार्ड में कुछ बदलाव किया है और कुछ न्यू मैचेस का ऐलान करा है पीपीवी से कुछ देर पहले, जिसमें शामिल है गैलोस एंडरसन वर्सेस द रिवाइवल के बीच मैच। न्यू यूएस चैंपियन बॉबी रूड अपना टाइटल डिफेंड करेंगे यूएस ओपन चैलेंज में, मतलब वो रॉयल रंबल में ओपन चैलेंज देंगे। अब देखना होगा कि कौन उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता है रॉयल रंबल में। थर्ड मैच जो होगा वो होगा क्रूजरवेट डिवीजन से सिक्स मैन टैग टीम मैच। एंड टाइम पे तीन मैचेस WWE के डालने से लग रहा है कि WWE कहीं ना कहीं अब चिंतित है रॉयल रंबल पीपीवी की सक्सेस को लेके। देखना होगा कि रॉयल रंबल में इन तीन मैचेस के डालने का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है डीन एम्ब्रोस के फैंस के लिए। आपको बता दूं कहा जा रहा है कि डीन एम्ब्रोस रॉयल रंबल तो मिस कर चुके हैं और वो साथ ही साथ अब 2018 में होने वाली रसलमेनिया 34 भी मिस कर देंगे। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है डीन एम्ब्रोस फैंस और WWE के लिए। अब WWE फंस चुकी है, ना तो वो शील्ड को दिखा पा रहे हैं ना वो तोड़ पा रहे हैं, और ऊपर से जेसन जॉर्डन को शील्ड में डाल के जेसन जॉर्डन की इमेज पर भी खासा असर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दूं डेनियल ब्रायन की रिंग में वापसी को लेके बहुत हलचलें हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ना तो रॉयल रंबल में हमें देखने को मिलेंगे और ना ही रसलमेनिया 34 में रिंग में दिखेंगे। मतलब साफ है कि वो साल 2018 अप्रैल तक तो रिंग में देखने को हमें नहीं मिलने वाले। तो जो फैन सोच रहे थे डेनियल ब्रायन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच मैच के बारे में, इस पे अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अब हमें शेन मैकमैन और डेनियल ब्रायन के बीच कुछ देखने को मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि इनके बीच जो इस समय चल रहा है उसका एंड क्या होगा। लास्ट और बड़ी अपडेट आ रही है फरवरी में होने वाले रॉ के पीपीवी एलिमिनेशन चैंबर को लेके। आपको बता दूं मैंने काफी टाइम पहले आपको अपडेट दी थी कि साल 2018 में वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिल सकता है। वहीं मैंने अपडेट दी थी कि 2018 में यूएस टाइटल को जीत सकते हैं बॉबी रूड। अब एक और बड़ी अपडेट्स आपको दे रहा हूं कि इस बार हमें फर्स्ट वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ लीक्स हैं जो शायद इस पीपीवी में सच होते हमें दिख सकते हैं। तो ये WWE का वुमेन्स पावर को लेके एक और बड़ा कदम होगा। आपको बता दूं रॉ का ये पीपीवी जिस एरिना में होगा उसने ट्वीट करके कहा है कि रॉ के कौन कौन से 12 सुपरस्टार एलिमिनेशन चैंबर में होंगे। अब आपको बता दूं कि एलिमिनेशन चैंबर में 6 सुपरस्टार होते हैं और एरिना ने ट्वीट करा है 12, तो इसका मतलब लगाया जा रहा है कि 2 एलिमिनेशन चैंबर मैच हमें देखने को मिल सकते हैं, एक मेंस और दूसरा वुमेन्स। अब देखना होगा कि WWE ऐसा कुछ करती भी है नहीं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा डालें और घंटा बटन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।